आज के वीडियो में मैं आपको 539 की फैक्टर ट्री बनाना सिखाऊंगा। फैक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। वह नंबर जो वन से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये कुछ आपके प्राइम नंबर्स हुए। इसके बाद इसमें आपको टेबल्स आना ज़रूरी है। फिर जिस तरह से ट्री की ब्रांचेज होती हैं उसी तरह मैंने 539 की दो ब्रांचेज बनाई। लेफ्ट साइड आपका नंबर, लेफ्ट साइड आपको हमेशा प्राइम नंबर ही मिलेगा। राइट साइड अगर आपका प्राइम नंबर आ जाता है तो वहीं पर इसकी फैक्टर ट्री क्लोज हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 7 × 77 539 हुआ। राइट साइड आपका अभी प्राइम नंबर नहीं आया तो फैक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी, ठीक है। फिर 77 की इसके टेबल में 7 × 11 77 हुआ। एंड राइट साइड आपका 11 है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री यहीं पे क्लोज हो गई, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि आपकी फैक्टर ट्री सही है गलत है, इसके लिए आपको लेफ्ट टू राइट चलना होगा। लेफ्ट टू राइट चलते टाइम आपको सभी के सभी नंबर प्राइम नंबर ही मिलेंगे। फिर इन प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसकी आपको फैक्टर ट्री बनानी थी, ठीक है। 2 × 7 × 11 539 हुआ। इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री एकदम सही है। एंड 2 × 7 × 11 539 के प्राइम फैक्टर्स भी होंगे। और आपको अगर ये 539 की फैक्टर ट्री का ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।